412 मेगावाट की रामपुर जल विद्युत परियोजना आवासीय मुख्यालय दत्तनगर में आज से 13वीं केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हो गई। पावर स्पोर्ट्स बोर्ड विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें विद्युत क्षेत्र की 8 सार्वजनिक उपक्रमों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पावर स्पोर्ट्स बोर्ड की ओर से इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन का मकसद विद्युत क्षेत्र में लगे सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों में आपसी समन्वय और सद्भावना तैयार करना है। उन्हें एक दूसरे को नजदीक से जानने और अपने अनुभवों और तकनीक का भी परस्पर साझा करना है। प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे विद्युत उपक्रमों के खिलाड़ियों ने बताया कि पावर सेक्टर में इस तरह के आयोजन होते रहते हैं ताकि आपसी सद्भावना और भाईचारा विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों में बना रहे। मैं टीएडीसी इंडिया लिमिटेड से रिप्रेजेंट करता हूं तथा मैं अपनी टीम से मेन राइडर हूं और यहां पे हम आईसीपीसी क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रतिभा करने हेतु एसएनएल नाटा झागड़ी आए हैं और एसएनएल की जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो बहुत ही शानदार और अच्छी रही। और पीएससी भी इस तरह की ओपनिंग सेरेमनी करते हैं तथा ये मैच 29-31 तक रहेंगे और इसकी एक क्लोजिंग सेरेमनी एक गेट टुगेदर रहेगा और मैं अपने जो लगातार इस तरह के टूर्नामेंट कराते रहते हैं, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, सारी प्रतियोगिता इस तरह चलती रहती है। हम लोग यहाँ आईसीपीसी कबड्डी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। यहाँ पे कुल पावर सेक्टर की 8 टीमें आ रखी है जिसमें एक टीम हमारी भी है, तो हम लोग कबड्डी खेलने आए। सारे पावर सेक्टर में एक सद्भावना की मिसाल होती है, सारे खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छा हर साल आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज हिमाचल डॉट केसरी।